केनको का कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, ये ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो आप अपने साथ चार्ज करके गाड़ी में रख सकते हैं। सबसे पहले हमारा वैक्यूम है, ये इसका डॉक चार्जर है जो कि हमारा बिजली से चार्ज होगा। इसके साथ इसका अपना अडॉप्टर है और वैक्यूम क्लीनर इसके ऊपर लग के चार्ज हो जाता है। हमारा इटसेल्फ वैक्यूम क्लीनर रेड कलर के अंदर, ये टॉप पे इसका बटन है जिससे इसका फ्रंट फेस अलहदा हो जाएगा। ये अपने फिल्टर के साथ आता है। देन इसकी एक रबर फेसिंग है जो कि इसके अंदर जाएगी ताकि ये इसको एयर टाइट कर सके, इसको सील कर सके। रबर फेस लगाने के बाद हमारा आगे फ्रंट फेस आ जाएगा कि अगर आपने कोई थोड़ी हेवी ड्यूटी आइटम पिक करनी है तो इससे करेंगे, वरना इसके आगे सिंगल ब्रश लग जाएगा। तो इसके साथ आप अपने डैशबोर्ड के एजेस में फंसी हुई, कारपेट्स के नुकरों में फंसी हुई जो डस्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए यूज़ करके दिखाते हैं, क्योंकि ये ब्लैक है तो इसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी कैपेसिटी कैसी है। तो यूज़ करते हैं। अब मैं मैट हटा के आपको कारपेट दिखा रहा हूँ, जो कि एक्चुअल पेन होती है कारपेट को करना, क्योंकि मैट तो फिर भी आप बाहर निकाल के झाड़ लेंगे। अब कारपेट हमारा डस्टी है अच्छा खासा, तो स्टार्ट करते हैं। ये कॉर्डलेस है, रिचार्जेबल है, इसकी कैपेसिटी इसकी चार्जिंग पे डिपेंड करती है कि जितना अच्छा ये चार्ज हुआ होगा, फुल चार्ज होगा तो इसकी कैपेसिटी उतनी अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी एक साइड करने से हमारा जितना कारपेट डस्टी था, तो वैक्यूम के अंदर क्या हालात है। इसमें अगर फिल्ट्रेशन ना हो तो ये वैक्यूम ख़राब करेगा। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारा नया फिल्टर और उसके अंदर फंसी हुई डस्ट इसने कैसे सक्शन से साफ़ कर दी है। तो इसको साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा गंदी है तो साफ़ करने के बाद हम इसको दोबारा रीयूज़ करेंगे। इसके साथ इसकी छोटी नोज़ल है जो कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता, ये वहाँ से भी वैक्यूम यूज़ हो सकता है। रबर मैट्स के ऊपर जो डस्ट पड़ी हुई है, हम उसका आइडिया दिखा देते हैं आपको कि इसकी सक्शन कैपेसिटी कैसी है। कैसा फिर, ये सारा इस वैक्यूम क्लीनर ने लिफ्ट किया। केनको का कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर आप ना सिर्फ गाड़ी में बल्कि बेडरूम्स में, सोफ़ा, लैपटॉप्स या काउचेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं लिफ्ट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम मेरे को एक शो केस के साथ। तो ड्राइव सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। अल्लाह हाफिज़। Sorry, kids, only on Bumpies.